हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे आलू की मसाला पूड़ी, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। इसे आप मात्र 10 मिनट में तैयार कर सकते हैं। चलिए फिर आलू की ये मसाला पूड़ी बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 1 कप गेहूं का आटा। इसको मैंने अच्छे से छान लिया है ताकि आटे में कोई भी गंदगी ना रहे। 1 उबला हुआ आलू लिया है मैंने, छोटे साइज़ का आलू को मैंने उबाल के रखा है और इसे कद्दूकस की मदद से ग्रेट कर लेंगे। तो आलू को ग्रेट करने के बाद इसमें कोई भी बड़े पीसेस नहीं रहते। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। हल्दी का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करिएगा। और मसालों में मैंने यहाँ पर लिया है 6 से 7 लहसुन को कद्दूकस कर लिया है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा कद्दूकस करके, 2 हरी मिर्च बारीक काट के, 1 चुटकी हींग लिया है, भुना हुआ जीरा पाउडर और यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर कसूरी मेथी लिया है। तो एक एक करके पहले हम अपने सभी मसाले को आटे में डाल देंगे। तो अदरक लहसुन जिसको हमने कद्दूकस किया था, सभी चीज़ें इसमें डाल दीजिए, साथ में कसूरी मेथी भी डाल दीजिए। जीरा पाउडर ऐड किया मैंने। अभी हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया, इससे टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। और 2 चम्मच डाल देंगे घी। आप घी की जगह रिफाइंड भी ले सकते हैं। पहले हम आटे को मसाले के साथ, जो हमने आलू डाला था, आलू में बहुत ही मॉइस्चर होता है, तो हम आटे को आलू के साथ पहले अच्छे से मैश करेंगे। शुरू में आप पानी नहीं डालिएगा, वरना डो हमारा काफ़ी टीगिल्ला हो जाएगा। तो इसे मैंने आलू के साथ अच्छे से मैश कर लिया है। अब मैं यहाँ पर 1 चम्मच इसमें पानी डालूंगी और इसे अच्छे से डो के फॉर्म में बनाएंगे। तो जितने पानी का इस्तेमाल होगा हम उतना ही डालेंगे, ज़्यादा पानी का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर से मैंने 1 चम्मच पानी डाला। इसके बाद हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, तो बस इसे इस तरीके से हथेली की मदद से एक डो की तरह मैंने यहाँ पर बना लिया है। तो बिल्कुल सूखा हमारा डो बनके तैयार है। इसमें ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करिएगा। डो को मैंने अच्छे से चिकना कर लिया है। तो अब हम इसके 2 पार्ट करेंगे ताकि हम इसके नाश्ता बना सके। तो इसके लिए मैंने इसका 1 हिस्सा लिया है और 1 लोइयाँ बनाएंगे। तो बड़ी लोई आप जितना मोटा चाहते हैं इसे बेलना, उस हिसाब से लोई लीजिएगा। और इसे एक चकले पे हम बेल लेंगे। तो बेलते समय आपको ना बहुत ज़्यादा पतला बेलना है ना बहुत ज़्यादा मोटा, मीडियम साइज़ का हम इसे बेलेंगे। साइड से अगर कुछ फट भी जाते हैं या टेढ़े हो जाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम इसे काटेंगे। तो जितना बड़ा हो पाए आप उस हिसाब से इसे बेल लीजिएगा। तो मैं इसे चकले के बराबर से बेल रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर लगाते हुए इसे नहीं बेलना है, हल्के हल्के हाथों से आप इसे बेलते जाएंगे। बिना सूखा आटा लगाए हमने इसे यहाँ पर बेल लिया है। अब मैंने यहाँ पर 1 ग्लास लिया है और ग्लास की मदद से इसे इस तरीके से गोल गोल काट लेंगे। आप चाहे तो कटोरी से भी इसे काट सकते हैं, या अगर आपके पास कटर हो काटने वाला तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको काटना नहीं पसंद तो आप छोटी छोटी लोइयाँ बनाकर उसे बेल सकते हैं। मैं इसे काट इसलिए रही हूँ ताकि नाश्ता हमारा सभी एक साइज़ के बने। तो यहाँ पर मैंने ग्लास की मदद से सभी लोई यहाँ पर पूड़ियाँ काट ली हैं। तो अब हम इसे प्लेट में निकाल देंगे। तो ये देखिए, सभी पूड़ियाँ एक साइज़ की बनी हैं क्योंकि हमने इसे ग्लास से काटा था। एक एक करके पूड़ियाँ को हम प्लेट में निकाल लेते हैं ताकि इसका शेप ख़राब नहीं हो। बाकी के जो आटे बचे हैं इसी तरीके से हम एक एक करके सभी को बना लेंगे। बहुत ही आसान और बहुत ही क्विक नाश्ता हमारा ये बनेगा। तो लीजिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर अपनी सभी पूड़ियों को रख लिया है प्लेट में। तो बाकी बचे हुए आटे को इसी तरीके से हम तैयार करेंगे। तो अब मैंने यहाँ पर गैस पे तेल गरम कर दिया है और गरम तेल में एक एक करके अपनी सभी पूड़ियों को डाल देंगे। एक कढ़ाई में जितनी जगह हो एक साथ आप उतनी ही डालिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा। 1 से 2 सेकंड एक साइड पकने के बाद ही हम इसे पलटेंगे। तो पहले हल्के से इसे आप टच करिए ताकि जो भी फूल सके पूड़ियाँ हमारी अच्छे से फूल जाए। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर इसे 1 से 2 सेकंड के बाद ही टच किया है और कितनी फूली फूली यहाँ पर हमारे नाश्ते बन चुके हैं। तो एक साइड पलट देते हैं ताकि ये दूसरे साइड भी अच्छे से पक जाए। दोनों साइड इसे 1 से 2 मिनट तक हम इसे नाश्ता हमारा बन जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा।
तो ये देखिए दोनों साइड अच्छे से इसका कलर चेंज हो गया है। तो अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। तो इसे साइड में थोड़ी देर रोक दीजिए ताकि इसका जो भी तेल है वो निकल जाए, और इसे प्लेट में निकाल के मैंने रख लिया है। तो बाकी जो भी नाश्ता हमारे बचे थे उसे फिर से मैंने दूसरा बैच डाला है, और इसे भी नाश्ते को साइड में थोड़ा सा तेल निकल जाने के बाद हम इसे प्लेट में रख देंगे ताकि प्लेट में एक्स्ट्रा तेल नहीं हो। तो लीजिए दोस्तों, हमारी आलू की ये खस्ता पूड़ी बनकर तैयार है। बहुत ही खस्ता, बहुत ही क्रिस्पी बनी हुई है। आप इसे बच्चों के टिफ़िन में बना कर दे सकते हैं, या आप इस सफ़र में जा रहे हैं तो भी इसे पूड़ी या अचार के साथ इसे खा सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।